देश भर में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीति जगत, खेल, फिल्म समेत अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी हस्तियों लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। न्यू अशोकनगर में नमाज अदा करने के बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गयी है। बता दें कि भारत में कल कई इलाकों में ईद का चांद नजर आया। इसके इस्लाम के धर्म गुरुओं ने आज ईद का ऐलान किया है और आज पूरे देश में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय में ईद का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 30 दिन का रमजान का पवित्र माह समाप्त होने के साथ ही अगले दिन से ईद का पर्व मनाया जाता है। मस्जिदों और ईदगाहों को रंग रोगन किया जाता है और साथ ही मस्जिदों को लाइटों से सजाया जाता है। ईद के दिन मस्जिदों और ईदगाहों में मुसलमान सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद देते हैं। इसी के साथ ही आज के दिन सोया खाई को खिलाई जाती है। आज ईद उल फितर का त्यौहार देश में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से सुबह सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। इसके लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग शहरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।